देखिए सभी को इस समय पता है ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल या तो ग्लोबल म्यूजिक जैक्सन के एग्रीमेंट में फंस चुके हैं, जिसके वजह से ज्यादा गाना ला नहीं पाते हैं और जो भी गाना लाते हैं वे अपने खुद के चैनल खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड से ही आता है। इसके वजह से खेसारी लाल यादव का गाना ज्यादा कुछ कर नहीं पाता है, क्योंकि जो सुपरस्टार का 3-4 दिन में एक गाना आए वे भी तो अलग अलग कंपनी से, अब वही सुपरस्टार का गाना 15-16 दिन में आए वे भी तो एक ही कंपनी से, फिर फैन का ज्यादा क्रेज नहीं रहता है, जिसके वजह से गाना फ्लॉप हो जाता है, क्योंकि इतने बड़े सुपरस्टार के लिए 1-2 मिलियन कोई मायने नहीं रखता है। बात तो सही है। और इसका पूरा फायदा पावर स्टार पवन सिंह को मिल रहा है, क्योंकि जो जगह ट्रेंडिंग में खेसारी लाल यादव के लिए बना है अब उस जगह पे पावर स्टार पवन सिंह ट्रेंड कर रहे हैं और खेसारी लाल यादव उनसे बहुत ज्यादा नीचे हैं। अरे बाबा, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं पूरा इंडिया में पवन सिंह का गाना 2 नंबर पे ट्रेंड कर रहा है और ये गाना 1 नंबर में भी गया था, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले नीचे आ गया है। अब बात करें म्यूजिक सेक्शन का, तो ये गाना म्यूजिक सेक्शन में भी 2 नंबर पे ट्रेंड कर रहा है, लेकिन खेसारी लाल यादव उनसे काफी ज्यादा नीचे है। और अब खेसारी लाल की इस ट्रेंड के कुर्सी पे पवन सिंह ही बैठने वाले हैं, क्योंकि खेसारी लाल यादव कितना भी पावर लगा ले फिर भी ग्लोबल म्यूजिक जैक्सन के एग्रीमेंट से नहीं निकल सकते हैं। एग्रीमेंट के बीच में कोई सॉल्व हो तब लगातार गाना आ सकता है, नहीं तो 2025 तक खेसारी लाल यादव का ऐसा ही गाना आएगा, ये बात पक्का है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। और वही वजह है कि पवन सिंह हर 2-3 दिन पे मार्केट में धमाकेदार गाना लाते हैं और वे गाना काफी ज्यादा बजता भी है और वे गाना एक ही दिन में 2-3 मिलियन क्रॉस कर जाता है। क्या सीन है। और अब मुझे ऐसा ही लगता है कि 2025 तक ऐसा ही चलता रहेगा, क्योंकि अब पवन सिंह के टक्कर में कोई भी नहीं है, क्योंकि जो टक्कर में था उसे तो फंसा दिया गया एग्रीमेंट में। और 10-15 दिन में कोई गाना भी आता है तो पवन सिंह के यूट्यूबर इतना छींचा लेदर मचा देते हैं कि ये गाना का कोई मतलब ही नहीं रहता है। और पवन सिंह के यूट्यूबर यही चाहते हैं कि खेसारी लाल यादव मार्केट से खत्म हो जाए और पवन सिंह का ही बस गाना बजे। जनता माफ नहीं करेगी। लेकिन कोई बात नहीं, जिसका भी गाना आए आप उसका गाना पे एंजॉय कीजिए, लेकिन जब भी खेसारी लाल यादव का गाना आता है तो आप उनके चैनल पे जाइए और उसी गाना को इतना प्यार आशीर्वाद दीजिए कि वही गाना एक रिकॉर्ड बना दे। एक बात पक्का है कि भोजपुरी जब भी आगे बढ़ेगा तो वे फिल्म से ही बढ़ेगा, क्योंकि गाना में तो वे पहले ही आगे है और ये चीज बस खेसारी लाल यादव ही कर सकते हैं। और आप भोजपुरी सॉन्ग इंडस्ट्री, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री बनने जा रहा, क्योंकि पवन सिंह गाना में बेस्ट है तो पवन सिंह गाना गा रहे हैं और खेसारी लाल यादव एक्टिंग में बेस्ट है तो वे एक्टिंग पे अभी ध्यान दे रहे हैं। और जब भी खेसारी लाल यादव का फिल्म आएगा तो फरिश्ता और संघर्ष 2 जैसे सिनेमा हॉल को फार कर रख देगा, ये मैं लिख कर देता हूँ। एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के। बाकी चलिए चलते हैं, चाहे वे जिसका भी गाना आए आप उसके गाना पे एंजॉय कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऐसे ही जानकारी के लिए मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में न्यू जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।